हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एंड पॉलिटिक्स। आज के वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा फैक्ट के साथ आखिर क्यों बैन किया भारत ने चीनी एप्स को, और आपके लिए इनमें से कई सारे इम्पोर्टेंट एप्स का विकल्प भी दूंगा। उसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए, ऐसा होना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था। चाइना हमारे साथ हर बार एग्रेशन इसलिए दिखाता है क्योंकि हम हर बार डिफेंसिव रहते हैं। यहाँ तक कि चीन हमारे देश के इंटरनल मैटर में खुल के बोलता है हर प्लेटफॉर्म में, मेनली कश्मीर को लेके। और यहाँ तक चीन ने मसूद अजहर ऐसे खतरनाक आतंकी को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन में कई बार वीटो किया, जबकि इंडिया को सभी देश का सपोर्ट था। इतने क्रिटिकल मुद्दे पे भी, जो हमारे सिक्योरिटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, उस पे भी चीन इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का साथ देता रहा, और हम खुल के चीन का नाम तक नहीं लेते थे ताकि चीन कहीं हमें इकोनॉमिकली प्रेशर ना बनाए। भारत ट्रेड वॉर के पक्ष में कभी नहीं रहा क्योंकि भारत यह सोचता है डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब चीन ने हद से ज्यादा भारत को मजबूर कर दिया कि भारत ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दे। चाइना को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने के चक्कर में भारत का भी कुछ नुकसान होगा, क्योंकि इस ऐप से सरकार को भी फायदा था और करोड़ों लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म भी था आगे बढ़ने के लिए, भले इसका आगे बढ़ने से ज्यादा मिसयूज होता था। सबसे मेन जो रीजन है जिसके वजह से इन सब बड़े एप्स को बंद करना पड़ा, वो है चाइना का साइबर अटैक, जिसका एक उदाहरण देता हूं। हाल में जब से ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के खिलाफ बोला था कोरोना वायरस को लेके, इतने से ही चीन ने पहले ऑस्ट्रेलिया को इकोनॉमिकली काफी नुकसान पहुंचाया, जैसे बीफ, वाइन, कोयला और बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन सामान पे पार्शियली बैन लगाया या फिर पूरे तरीके से बैन लगा दिया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पे बहुत बड़ा साइबर अटैक किया और ऑस्ट्रेलिया के सारे गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बहुत सारा डेटा चोरी किया गया। इसका लिंक कहीं ना कहीं चाइना से जोड़ा जा रहा है। इसके वजह से भारत सरकार का चिंता काफी वाजिब है, क्योंकि अगर आप देखो तो मिलिट्री से लेके सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे चाइनीज ऐप का पहुंच ना हो। और यह बात किसी से छुपा नहीं है, चीन में सारे कंपनी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पे काम करती है। अभी तो युद्ध जैसे हालात है भारत और चीन के बीच में, तो इस वक्त यह डिसीजन बिल्कुल सही है। यह हमारे भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल कॉन्सेप्ट को भी बूस्ट देगा। बात यह बिल्कुल सही है कि चीनी एप्स का इस वक्त भारत के पास पूरे तरीके से कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बहुत सारे विकल्प हैं जिसको आप अपने सपोर्ट से बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट एप्स जिसका आप जनरली यूज करते हैं उसके विकल्प बताऊंगा। जैसे शेयर इट के जगह आप शेयर ऑल यूज कर सकते हैं, टिकटॉक, लाइकी, वीगो या फिर हेलो ऐप के जगह आप शेयर चैट और चिंगारी ऐप का यूज कर सकते हैं। यूसी ब्राउजर की जगह सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप गूगल क्रोम का यूज करो, और उसके साथ जियो ब्राउजर का भी आप यूज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप कैम स्कैनर, जो मोस्टली स्टूडेंट और ऑफिशियल लोग करते हैं, उसके जगह पे आप डॉक स्कैनर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस या फिर एडोबी स्कैनर का यूज कर सकते हैं। WPS ऑफिस, जो आप जनरली वर्ड फाइल ओपन करने के लिए यूज करते हैं, उसके जगह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या ऑफिस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। ब्यूटी प्लस के जगह पे कैंडी कैमरा B612 या फिर पिक्सार्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप या फिर लोकल एप्स का यूज कर सकते हैं या किसी दूसरे देश के एप्स का यूज कर सकते हैं चाइनीज ऐप के जगह पे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।